हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहे फोर्थ टेस्ट मैच में जो आज सेकंड डे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, कल जो मैच खत्म हुआ था वह 54 ओवर में 192 रनों पर इंग्लैंड 4 विकेट खोकर खेल रही थी। जी हाँ दोस्तों, और पिच पर रूट और ओली पॉप खेल रहे थे। दोस्तों, आज के दिन इंग्लैंड की तरफ से जो पहली विकेट और इंग्लैंड की 5वीं विकेट गिरी थी वह थी ओली पॉप के रूप में। ओली पॉप 78 गेंदों पर 56 रन बनाकर बोल्ड हुए। नोटेजे की बोल्ड पर उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए। उसके बाद रूट 108 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने 6 चौके लगाए। बटलर ने 43 गेंदों पर 20 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। सैम क्रुएन पहली ही गेंद पर आउट हो गए, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। वॉक्स 46 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। मार्क वुड लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 39 गेंदों पर 35 रन बनाए 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। यह वनडे की मैच की तरह खेले थे। ब्रॉड वनडे की तरह ही नहीं, वह 2020 मैच की तरह खेले। इस मैच में उन्होंने 28 गेंदों पर 43 रन बनाए 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से। इस प्रकार इंग्लैंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 98.2 ओवर खेलते हुए पूरी 400 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कल के मुकाबले अच्छी रही। आज फ्लेंडर ने 20 ओवर में 2 मेडन देते हुए 50 रन देकर 2 विकेट लिए। बी हेंड्रिक्स ने 23 ओवर में 3 रन देकर 111 रन दिए और 1 विकेट लिया। नोटजे ने 24 ओवर में 1 मेडन देकर 110 रन पर 5 विकेट लिए, जो कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे फर्स्ट इनिंग्स में। पैटरसन ने 20.2 ओवर में 3 मेडन देते हुए 86 रन पर 2 विकेट लिए। प्रिटोरियस ने 11 ओवर में 3 मेडन देते हुए 34 रन पर कोई विकेट नहीं लिया। दोस्तों, आज इंग्लैंड 400 रनों पर ऑल आउट हो गई अपनी फर्स्ट इनिंग्स में। जब साउथ अफ्रीका 400 रनों का चेज करती हुई पिच पर उतरी तो उनकी शुरुआत ठीक ठाक ही रही। उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन तो हालांकि थोड़ा ठीक ठाक खेले, लेकिन उसके बाद कोई भी विकेट ज़्यादा जम नहीं पाई। दोनों ओपनिंग बैट्समैन थी वो भी ज़्यादा स्लो रन रेट से खेल रहे थे, वह बहुत ही ज़्यादा बोले खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका का पहला विकेट पीटर मलान के रूप में गिरा। पीटर मलान ने 63 गेंदों पर 15 रन बनाए 1 चौके की मदद से। उसके बाद वेंडर डुसेन ने 7 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हुए। एल्गार 64 गेंदों पर 26 रन बनाए 5 चौकों की मदद से। डुप्लेसिस 29 गेंदों पर 3 रन बनाए कोई चौका और कोई छक्का नहीं, वह कैप्टन वाली पारी नहीं खेल सके। डीकॉक हालांकि अभी बैटिंग कर रहे हैं, डीकॉक ने 44 गेंदों पर 32 रन बना लिए हैं 5 चौकों की मदद से। बवुमा भी 28 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। नोटजे 16 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए 1 चौके की मदद से। इस प्रकार साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 41.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 88 रन बना लिए हैं। दोस्तों, अभी भी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से 312 रनों से पीछे है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका अपना फॉलो ऑन बचा पाएगी और क्या वह 400 रनों का जो ये फर्स्ट इनिंग का जो टारगेट है, हालांकि ये मैच जीतने का टारगेट नहीं है, लेकिन जो इंग्लैंड के 400 रन है उसके मुकाबले अपने 400 रन बना पाएगी। दोस्तों, आज इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी रही, उन्होंने साउथ अफ्रीका की 6 विकेट जल्दी ही गिरा दी। ब्रॉड ने 9 ओवर में 3 मेडन देते हुए 13 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। सैम क्रुएन ने 7 ओवर में 3 मेडन देते हुए 11 रन देकर 1 विकेट। वॉक्स ने 10 ओवर में 5 मेडन देते हुए 16 रन देकर 1 विकेट। मार्क वुड ने 8.5 ओवर में 1 मेडन देते हुए 21 रन दिए और 3 विकेट लिए, जो कि अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से इस इनिंग्स में। स्टोक्स ने 7 ओवर में 1 मेडन देते हुए 27 रन देकर 1 विकेट। और दोस्तों, अब कल देखते हैं कि साउथ अफ्रीका किस हिसाब से खेलती है। अगर इस हिसाब से ही खेलती रही तो वह यह मैच भी अपने हाथ से गंवा देंगे और यह सीरीज भी 3-1 से इंग्लैंड अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कल का मैच कैसा खेलती है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड अपना कितना प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर बना पाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी, क्या इंग्लैंड यह टेस्ट मैच जीत कर 3-1 से सीरीज जीत जाएगी और क्या साउथ अफ्रीका यह टेस्ट मैच जीत कर 2-2 से यह 4 टेस्ट मैचों की सीरीज बराबर कर लेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।